आमिर खान की सबसे यादगार फिल्मों में से एक लगान में लाखा का किरदार निभाने वाले यशपाल शर्मा ने इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें शेयर की। यशपाल ने बताया कि फिल्म में उन्हें अपना किरदार आमिर के भुवन वाले किरदार से ज़्यादा पसंद था। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म में निभाए अपने किरदार के लिए मिली फीस के बारे में भी दिलचस्प किस्सा बताया। एक इंटरव्यू के दौरान यशपाल ने बताया कि जब लगान में लाखा का रोल मिला तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे फिल्म में लाखा का रोल बेस्ट लगा था, बल्कि उन्हें आमिर खान के लीड रोल से भी ज़्यादा लाखा का रोल पसंद आया था, क्योंकि इसमें कई वेरिएशन थे, नेगेटिव, पॉजिटिव, लव एंगल और जलन भी थी। यशपाल ने इस रोल के लिए ऑडिशन भी दिया था। उसके बाद उन्हें एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि आपको लाखा के रोल के लिए चुन लिया गया है। यशपाल ने कहा कि वो इस बात से बहुत खुश थे कि उन्हें वो रोल मिला है और वो आमिर खान के साथ काम भी करेंगे। चलिए अब आपको वो किस्सा बताते हैं जो कि उन्होंने खुद बताया था कि उनकी फीस कैसे उन्हें मिली और कितना बढ़ के मिली। ये किस्सा यशपाल ने खुद सुनाया। उन्होंने लगान के प्रोड्यूसर रीना दत्ता से फीस की बात की थी, जो उस वक्त आमिर खान की पत्नी थी। उन्होंने बताया कि अगले दिन मैं रीना दत्ता से मिलने जा रहा था। रीना ने मुझे मिलने बुलाया था। मैं रास्ते में ये सोचता रहा कि उनसे रोल के लिए कितने पैसे मांगूं। उन्होंने कहा कि मैं गरीब परिवार से था, पर मैंने खुद से कहा था कि 1 लाख से कम नहीं मानना, पर मैं इस बात से भी डरा हुआ था कि कहीं वो किसी और को ना ले लें, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे 50,000 मांगने चाहिए। मैं तो इस बात को लेकर भी तैयार हो गया था कि अगर वो मुझे 20,000 रुपये देंगे तो भी मैं काम कर लूँगा। हालांकि जब मैं उनके दफ्तर पहुंचा तो रीना जी ने मुझसे कहा कि उनके पास ज़्यादा बजट नहीं है, इसीलिए सभी को वो 1.5 लाख रुपये ही दे रहे हैं। इस पर मैंने कहा कि नहीं मैडम, कम से कम 2 लाख तो दीजिए। उस वक्त क्या हुआ पता नहीं, पर वो मान गई। यशपाल ने कहा कि बाद में मैं सोच रहा था कि अगर मैं 5 से 10 लाख भी मांगता तो वो शायद मान जाती। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सभी बने रहें टीवी9 भारतवर्ष के साथ।